हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एससी अकेडमी। आज मैं सिद्धि आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी हैकिंग के बारे में। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग कैसे होती है, हैकिंग के अगेंस्ट हमारे पास क्या लीगल प्रोविजंस हैं, और अगर हमारा अकाउंट हैक हो जाता है तो उसके बाद हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हैकिंग का मतलब है जब कोई भी थर्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है, उसे डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करता है, उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, या फिर अपने किसी ओन पर्पस के लिए हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की, हथियाने की कोशिश करता है, या फिर हमारी किसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पब्लिकली एक्सपोज करने की कोशिश करता है। तो ये सारी हरकतें जो होती हैं ये साइबर क्राइम के अंडर आती हैं और इन्हें हैकिंग बोलते हैं। जो लोग ये क्राइम करते हैं उन्हें हैकर्स बोला जाता है। अब ये क्राइम जब हो जाता है तो उसके बाद क्या लीगल प्रोविजन है? सपोज हमने सब पैंतरे अपना लिए, हमने कंप्लेंट कर दी, सब कुछ कर दिया, उन लोगों के साथ होगा क्या? उन लोगों के खिलाफ हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2008। उसका सेक्शन 43 ये कहता है कि जिस भी इंसान का अकाउंट हैक होता है उसको जरूर कुछ ना कुछ हानि पहुंचती है, कुछ नुकसान होता है, तो जो भी हैकर है वो उस नुकसान की भरपाई करेगा, वो डैमेजेस पे करेगा, कॉम्पनसेशन पे करेगा, और ये क्राइम करने के अगेंस्ट में उसे पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ इन एडिशन टू सेक्शन 43 हमारे पास है सेक्शन 66 ऑफ आईटी एक्ट, जो ये बोलता है कि हैकर को 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, या फिर ये दोनों सजाएं उसे हो सकती हैं। अब सजा तो हमें पता चल गई, लीगल प्रोविजन क्या है ये हमें पता चल गया। अब ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपका अकाउंट हैक होता है तो आपको क्या स्टेप उठाने हैं। सबसे पहला और सबसे कड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप आपको ये उठाना है, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको अपनी बात सामने रखने के लिए प्रूफ चाहिए होता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं, उनकी हार्ड कॉपी अपने पास रखनी है या सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी है, तभी आपकी कंप्लेंट की सुनवाई होगी। आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए ये दिखाने के लिए कि आपका अकाउंट हैक हुआ है। इसी के साथ साथ आपको सेकंड इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट करने के लिए या तो आप साइबर सेल की वेबसाइट पर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का रजिस्टर्ड साइबर सेल होता है, इंटरनेट से आप उस साइबर सेल का नंबर निकालकर वहां पर कॉल करके कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर एड्रेस के थ्रू आप वहां पर विजिट करके कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम आपको यह करना है कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है, यह इंफॉर्मेशन आपको पब्लिकली एक्सपोज करनी है। हम बहुत बार देखते हैं इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर कुछ ऐसी पोस्ट डली होती हैं जिनमें लिखा होता है दैट माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड। वो पोस्ट इसीलिए होती हैं ताकि लोगों को यह बता दिया जाए कि अब इस मोमेंट ऑफ टाइम के बाद अगर मेरे अकाउंट से कुछ भी हरकत होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसीलिए आपका अकाउंट हैक हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपको सब तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। अब इसी के साथ साथ लोगों का सवाल ये होता है कि अगर साइबर सेल हमारे आसपास ना हो, बिकॉज साइबर सेल्स की जो एक्सपेंड हुआ है साइबर सेल वो अभी तक सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही है, तो अब साइबर सेल अगर हमारे आसपास ना हो तो क्या पुलिस स्टेशन जाकर FIR नहीं करा सकते? FIR हो सकती है, जरूर हो सकती है, बट मैं आपको उसका एक साइड इफेक्ट बता देती हूँ, एक ड्रॉबैक बता देती हूँ कि क्या होता है। बिकॉज पुलिस स्टेशन में आप जाकर के FIR लॉन्च कराएंगे। साइबर क्राइम्स एक ऐसे तरीके के क्राइम्स हैं जिनकी कोई बाउंड्री नहीं है, बिकॉज साइबर क्राइम जो है वो दूर प्रदेश में बैठा इंसान भी कर सकता है, और दूर प्रदेश में बैठे इंसान के साथ भी साइबर क्राइम हो सकता है। तो पुलिस वाले कहां तक इन्वेस्टिगेशन करेंगे? उनके पास जाने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई लिमिट ही नहीं है, ये लिमिटलेस और बाउंड्रीलेस क्राइम्स हैं। इसीलिए पुलिस स्टेशन में जाकर FIR लॉन्च कराना हमारे लिए उतना प्रोडक्टिव नहीं होता जितना साइबर सेल में कंप्लेंट कराना होता है। तो अब अगर आपका कोई भी अकाउंट हैक होता है, आपके साथ हैकिंग जैसी कोई भी हरकत होती है, तो डोंट फॉरगेट हमारे पास आईटी एक्ट का सेक्शन 43 है, सेक्शन 66 है, पीछे नहीं हटिए और कंप्लेंट जरूर कराइए एंड एक्सपोज जरूर कीजिए कि आपका अकाउंट हैक हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, बिकॉज ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली हैं, और देखते रहिए ऐसे अकेडमी की सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।